हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉपटेक क्लासेस। मैं हूं बच्चों आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रज्वल सिंह। आपका बच्चों यहां पर मैं स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आपका क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस और बच्चों एकल कोष्ठिका यूनिट सेल क्या होती है। बच्चों आफ्टर देन हम आपका पढ़ेंगे एकल कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुणधर्म और देन हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण आंकी जो आपके पिछले यूपी बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आ चुके हैं। ये बच्चों आपका लेक्चर नंबर 6 होगा। आइए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों ये कौन सा लेक्चर आपका? लेक्चर नंबर बच्चों 6। तो सबसे पहले बच्चों क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? जैसे बच्चों हमने बनाया बच्चों ये आपकी क्या है बच्चों, सपोज करते अवयवीकरण है और ये अवयवीकरण इस प्रकार से बच्चों अरेंजमेंट है। तो आपकी जो अवयवीकरण है बच्चों वो यहां आपने दिखाने का प्रयास किया है बच्चों कि 3D में इनका अरेंजमेंट है। अब 3D में अरेंजमेंट है बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या है बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों क्रिस्टल, सबसे पहले क्रिस्टल क्या होते हैं बच्चों तो सबसे पहले बच्चों आपका क्रिस्टल क्या होता है कि जब परमाणु एक दूसरे से जुड़ते चले जाए और जुड़ करके कोई व्यवस्था बना देते हैं बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं बच्चों। और यही व्यवस्था अगर बच्चों आपका 3D व्यवस्था हो, त्रिविमीय व्यवस्था हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्या पढ़ लिया बच्चों, ये जैसे हमने मान लिया बच्चों ये कौन सी आपकी 3D व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था आपकी 3D व्यवस्था है, तो इसको हम क्या कहें बच्चों आपकी, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये क्या बच्चों, क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक क्या बच्चों, वह व्यवस्था जिसमें परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके आपस में व्यवस्थित होकर के त्रिविमीय जालक बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, आप बच्चों यहां पर लिखें, क्रिस्टल जालक क्या है बच्चों, वह व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें अवयवीकरण, वह व्यवस्था जिसमें अवयवीकरण आपस में जुड़कर या बच्चों संयोजित होकर, क्या बच्चों जुड़कर या संयोजित होकर, कौन सी व्यवस्था बच्चों, 3D व्यवस्था, त्रिविमीय जालक का, त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं उसे उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों आपका, उसको क्या कहते हैं बच्चों आपका, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब बच्चों जैसे आपके सामने हम कुछ बना रहे बच्चे, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों हमने आपका एक क्यूब बनाया, बच्चों क्या आपका एक क्यूब बना रहे हैं,
बच्चों मैं आपके सामने एक क्यूब बनाया है। अब इस क्यूब में और कुछ क्यूब बच्चे छोटे छोटे बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों इसका हमने एक मिड पॉइंट लिया, इसका बच्चों क्या लिया? मिड पॉइंट लिया। इसका बच्चों क्या लिया? मिड पॉइंट लिया। अब आप कैसे मिड पॉइंट लेंगे बच्चों? आप स्केल की सहायता से मिड पॉइंट लीजिएगा और यहाँ पर बच्चों ने क्या लिया? एक मिड पॉइंट लिया। और इन मिड पॉइंट बच्चों ने क्या कर दिया? एक दूसरे से जोड़ दिया। मिड पॉइंट बच्चों ने क्या किया? एक दूसरे से बच्चों ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और यहां पर बच्चों मिड पॉइंट लिया और यहां पर भी और यहां पर। और इन मिड पॉइंट बच्चों ने क्या कर दिया? एक दूसरे से जोड़ दिया। और इसको बच्चों ने क्या किया? यहां से जोड़ दिया इसके मिड पॉइंट से। इसको बच्चों हमने यहां से जोड़ दिया और इसको बच्चों कहां जोड़ दिया? यहां से जोड़ दिया। अब तीनों मिड पॉइंट बच्चों इस प्रकार से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और इसी प्रकार बच्चों यहां पर भी हमने आपके तीन मिड पॉइंट दिए। और तीनों मिड पॉइंट बच्चों ने क्या कर दिया? आपस में इसे जोड़ दिया। और यहां बच्चों ने तीन मिड पॉइंट लिए और तीनों मिड पॉइंट बच्चों इस प्रकार से यहां पे जोड़ दिया। और बच्चों जोड़ने के बाद हमने क्या किया? इस मिड पॉइंट को ले गए, इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, ये मिड पॉइंट बच्चों का भी जोड़ दिया हमने, यहां पर बच्चों जोड़ दिया, इस मिड पॉइंट को हमने क्या किया बच्चों? यहां से जोड़ दिया। अब बच्चों आप देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे गौर से बच्चों, तो अब ये जो आपकी दिखाई पड़ रही है बच्चों, आपका एक क्यूब है और यह क्यूब बच्चों छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने क्या किया बच्चों, यहां पर हमने अवयवी कर दिया बच्चों। बच्चों हमने अवयवी कणों को हम बिंदु की सहायता से बच्चों दिखा रहे हैं, हम यहां पर रंगीन करते जा रहे हैं बच्चों, जिससे आप समझिए यहां पर क्या आपके अवयवी कण। बच्चों यहां पर अवयवी कणों को इस माध्यम से रंगीन बाल के माध्यम, छोटे छोटे रंगीन बाल के माध्यम से बच्चों ने दिखाया है। और ये रंगीन बाल बच्चों क्या है? आपस में व्यवस्थित है। ये बाल इस प्रकार से है नहीं बच्चों, हमने आपको समझाएंगे छोटा बनाया है। अगर बच्चों हम आपको दिखाएं एक मिनट की, तो बच्चे थोड़ा आप गौर से देखिएगा, हमने यहां पर आपका कुछ बाल लिए हैं। जैसे बच्चों ने ये बाल लिए और इन बाल को बच्चों अरेंज कर दिया इस प्रकार। तो ये क्या है बच्चों? आपका एक क्रिस्टल जालक है। ये क्या है बच्चों? आपका एक क्रिस्टल जालक है, दिख रहा है बच्चों? अब ये क्रिस्टल जालक बच्चों कैसे बना होगा, इसके बारे में आओ हम सोचें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका क्रिस्टल जालक। अब क्वेश्चन हुआ आपके सामने, क्रिस्टल जालक बना कैसे होगा? जैसे बच्चों अगर यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल जालक है बच्चों, ये क्या आपका क्रिस्टल जालक है? क्रिस्टल लैटिस। अब बच्चों ये क्रिस्टल जालक बना कैसे होगा? तो छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना है। देखिए बच्चों, छोटे छोटे घन से मिलकर ये आपका क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो हमने एक घन लिया, एक क्यूब लिया और आपके सामने ये रखा। हमने एक घन लिया बच्चों और आपके सामने ये रखा।
देखियो दिया दे। ये बच्चों क्या है आपका? एक घन है। इसी घन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं बच्चों, एकक कोष्ठिका बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसी यूनिट सेल से बच्चों आपका जो क्रिस्टल इसके बारे दिखाया थे बना था ना बच्चों, जैसे यही यूनिट सेल से बच्चों इसी एकक कोष्ठिका से ये चीज बना हुआ है, इसी एकक कोष्ठिका से ये बना हुआ बच्चों। यहां हमने आकृति छोटी दिखा इसका, आप केयर मत कीजिएगा, इतनी बड़ी आकृति दिखा सकते हैं आपको समझने के लिए और थोड़ा कंफर्टेबल रहे, इसलिए हमने छोटी सी आकृति यहाँ पे दिखाई है। अच्छा अच्छा, ये कैसे बनाओ, क्या इसको यदि बार बार जोड़े तो क्या आपका ये प्राप्त हो जाएगा? हाँ बच्चों प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, एकक कोष्ठिका क्या है बच्चों, इसको क्या कहें बच्चों हमने, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, इट्स योर एकक कोष्ठिका, इट मींस हियर वी कैन राइट यूनिट सेल। फर्स्टली हमारे दिमाग में बच्चों आएगा ये यूनिट सेल होता क्या है, तो यूनिट सेल वह आकृति होती बच्चों, यूनिट सेल वह संरचना होती बच्चों जिसको बार बार दोहराने से, जिसको बार बार दोहराने से क्या प्राप्त हो जाए बच्चों, क्रिस्टल, जिसको बार बार दोहराने से क्या प्राप्त हो जाए बच्चों, क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाए, उसी को हम कहते हैं क्या, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या बच्चों, और लिख लें यहां बच्चों लिख रहे हैं आपका एकक कोष्ठिका, मीन्स बच्चों यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या बच्चों, वह छोटी सी छोटी संरचना कर सकते हैं, वह छोटी सी छोटी संरचना आकृति जिसको बार बार दोहराने से, जिसको बार बार दोहराने से क्या मिल जाए बच्चों, एकक कोष्ठिका से क्या मिल जाए, क्रिस्टल जालक मिल जाए, जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक मिल जाता है, क्रिस्टल जालक मिल जाता है, जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक मिल जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों आपकी, एकक कोष्ठिका कहते हैं। कितनी बातें बच्चों समझ में आई आपको? अगर आपको समझ में आई बच्चों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपके चलते बच्चों अगली हेडिंग पर, जो है एकक कोष्ठिका के अवलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में, गुण के बारे में बच्चों देखेंगे कि आपकी एकक कोष्ठिका होती क्या है और एकक कोष्ठिका के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में और डिस्कशन करें। अगर बच्चों आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। बच्चों हेडिंग क्या है आपकी, एकक कोष्ठिका के अविलक्षणिक
ठीक है, कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। अब बच्चों एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, एकल कोष्टिका कहिए या बच्चों क्या कहिए, मात्र कोष्ठिका, दोनों का जो बच्चों मीनिंग होता है एक ही है, दोनों का जो मीनिंग होता है बच्चों वो एक ही है। अब बच्चों अगर हम बात करें आपकी एकल कोष्ठिका बच्चों, तो ठीक है यहां पर हमने आपका एक एकल कोष्ठिका बनाया, हमने एक बच्चों एकल कोष्ठिका बना ली और इसके बारे में लिखे बच्चों, तो पॉइंट नंबर बच्चों आपका फर्स्ट लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छा बताइए बच्चों आपका यह एकल कोष्ठिका है, इसके पास कितने फलक हैं, इसके पास कितने फलक हैं बच्चों, इसके पास बच्चों कितने फलक हैं, क्या बच्चों आपको ये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा बच्चों आपका फलक होता क्या है, सबसे पहले ये आपको दिखाई पड़े बच्चों, ये जो पूरी एरिया है बच्चों, ये पूरी एरिया, इसको कहते हैं बच्चों फेस, क्या कहते हैं आपका फेस, फेस को हम क्या कहते हैं बच्चों फलक कहते हैं। तो कितने बच्चों काउंट कीजिए, एक ये हो गया बच्चों, दो हो गया बच्चों, तीन हो गया, चार हो गया बच्चों और पांच हो गया, और एक तरफ आपके है बच्चों हुआ कितना हो गया छह। आइए यहां पर भी देख ले बच्चों, एक क्लियर बच्चों, दो क्लियर है आपको, तीन क्लियर है बच्चों, चार क्लियर है बच्चों, अभी दो बचे बच्चों, और यहां पर बच्चों लिख दिया आपका पांच क्लियर बच्चों, और बच्चों यहां पर क्या लिख दिया आपका छह। तो खुद बताइए बच्चों यहां पर कितने फलक मिले, छह फलक। तो पहली चीज हम यहां पर लिख रहे हैं बच्चों एकल कोष्ठिका में, एकल कोष्ठिका में फलकों की संख्या, फलक मतलब तो फेस, फलकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, छह होती है। दूसरी पॉइंट बच्चों, अच्छा बताइए बच्चों अगर हम आपसे बात कहें कि इस एकल कोष्ठिका के पास बच्चों कितनी साइड हैं, कितनी भुजा है, आप क्या बताएंगे बच्चों कितनी भुजाएं हैं, तो खुद काउंट कीजिए बच्चों, एक भुजा, एक भुजा बच्चों, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, पांच भुजा बच्चों, छह भुजा, सात भुजा, आठ भुजा, नौ भुजा, दस भुजा, ग्यारह भुजा और बारह भुजा। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि एकल कोष्ठिका में कितने साइड होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने बताएंगे बच्चों आप, बारह होते हैं। आ जाइए एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में किनारों की संख्या, किनारा कह लीजिए बच्चों, भुजा कह लीजिए, एजेस कह लीजिए, एक ही बात, एकल कोष्ठिका में किनारों की संख्या कितनी होती है बच्चों, बारह होती है।
कितनी होती है बच्चों आपकी? 12 होती है। अब बच्चों आपका देखेंगे कि एकल कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं बच्चों, तो कोने देखिए बच्चों आप, एकल कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं बच्चों, इसे आप खुद बताइए, आपकी आंखों से दिख रहा है, एक कोना बच्चों, दो कोना बच्चों, तीन, चार, पांच, छह, सात और कितने कोने बच्चों, आठ, गिरा दे आपको बच्चों, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, कितने कोने दिखाई दे बच्चों, आठ कोने। तो क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट, एकल कोष्ठिका में, एकल कोष्ठिका में कोनों की संख्या आठ होती है। क्या आती है बच्चों, कोनों की संख्या आठ होती है। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें विकर्ण बच्चों, अब विकर्ण दो होंगे बच्चों, एक काय विकर्ण होता है और एक फलक विकर्ण होता है। फलक विकर्ण मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपका एक फलक है और ये जो दिखा बच्चों, ये दोनों आपके क्या है, फलक विकर्ण। क्या आपके हैं बच्चों, फलक विकर्ण। लेकिन बच्चों हमने यहां से लिया और इस साइड को लाकर यहां पर लाया, इस पॉइंट को लाकर हमने यहां पर लाया बच्चों, और तो ये क्या कहलाए बच्चों आपकी, काय विकर्ण। कितने बच्चों, काय विकर्ण। अब बच्चों देखिए हमने ये कोना लिया आपका पीछे वाला कोना, और पीछे वाले कोने को कहां मिला दे रहे आपका, इस फ्रंट में। अब ये कोना लिया बच्चों, इस कोने को लेके इस फ्रंट में, इस कोने के लिए बच्चों इस पर निकले। तो कितने काय विकर्ण निकले बच्चों, क्या चार निकले, काउंट कीजिए आप, एक बच्चों, दो बच्चों, ये तो हो चुका आपका एक, दो, तीन बच्चों, और ये क्या बच्चों, तो कितने काय विकर्ण दिखाई दे रहे बच्चों, चार। आप लिख सकते हैं क्या, एकल कोष्ठिका में काय विकर्ण की संख्या कितनी होती बच्चों, चार होती। चलिए, और कितने फलक विकर्ण होंगे बच्चों, एक फलक पे आपके दो विकर्ण हो रहे हैं, एक फलक पे आपके दो विकर्ण हो रहे हैं, तो कितने फलक होते हैं, छह फलक होते हैं, तो छह दुनी 12, तो मतलब आकर निकल के आया एक कोष्ठिका में क्या बच्चों, एक कोष्ठिका में, एक कोष्ठिका में फलक विकर्ण की संख्या, फलक विकर्ण की संख्या प्रत्येक फलक पे दो होते बच्चों, कितने फलक है, छह, तो 12 होती है। कितनी होती बच्चों, 12 होती है। और एक पॉइंट आपको बच्चों बता दें कि आप फलक विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे और काय विकर्ण की लंबाई आप कैसे निकालेंगे। चलिए, तो बच्चों आपको ये दिख रहा होगा एक फलक विकर्ण दिख रहा है बच्चों, तो हमने ये देखे बच्चों,
ये देखिए चौक क्या बन रहा है, क्या बच्चों आपके एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, हमने यहां पर बनाया बच्चों आपका एक समकोण त्रिभुज, और यही निकालना है बच्चों, ये निकालना है। तो आपको दिख रहा है बच्चों ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या हो गया बच्चों, और कर्ण के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो गई बच्चों, लंब, और यहां बच्चों अब क्या हो गया आप, क्या बच्चों अगर हम आपका मान ले बच्चों कि जो आपकी भुजा की लंबाई है बच्चों ए है, यही बच्चों क्या होगी, देखिए थोड़ा छोटा है लेकिन आप इसे ठीक तरीके से बनाइए तो आपका ये दोनों भुजा के बराबर है, इसको हमें ए माना, तो देन इट विल बी आल्सो ए, ये भी बच्चों कितना होगी ए होगा। देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस साइड, इट मींस यहां बच्चों जो कर्ण का आपको मेजर करना है कितना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सपोज करते हैं ए है इट्स योर बी पॉइंट एंड नाउ इट्स योर सी पॉइंट। तो आप बच्चों पढ़ चुके हैं पाइथागोरस पर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या जानते हैं बच्चों, यहां आप देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण क्या बच्चों आपका कार्विक कर्ण है, देन यू कैन राइट हियर ए सी, ए सी का बच्चों क्या और आधार क्या है ए का वर्ग, लंब कितना है ए का वर्ग, देन You will add a square and a square. So what will be? 2a square. क्या होगा बच्चों? 2a square होगा। तो यदि आप AC लिखना चाहें बच्चों, AC बराबर बच्चों under root 2a square, AC बराबर बच्चों under root 2 into मतलब एक बात निकल के आए, यदि आपके घन के भुजा की लंबाई a हो तो उसके फलक विकर्ण की लंबाई कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट 2 इनटू a होती है, तो मतलब 6 पॉइंट क्या बच्चों, फलक विकर्ण की लंबाई अंडर रूट 2 इनटू a होती है, ठीक है बच्चों। अब हम आपका देखेंगे आंकी कुछ आ जाइए। जैसे बच्चों हमने माना कि कोई क्रिस्टल ए व बी, कोई क्रिस्टल बच्चों ए व बी दो अवयवी, दो अवयवी कणों से, दो अवयवी कणों से मिलकर बना है बच्चों, क्या है मिलकर बना है और बच्चों क्या कह रहा है, कण ए कहां पर है बच्चों, कोनों पर है, कण ए कोनों पर है तथा कण बी, क्या बच्चों कण बी फलक के केंद्र पर है बच्चों, कहां पर है फलक के केंद्र पर है, तो क्रिस्टल का क्या बच्चों,
तो क्रिस्टल का सूत्र बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको हम सॉल्व करें। और आपको पता है बच्चों, केमिस्ट्री के सवाल में न्यूमेरिकल्स में कोई दम होता नहीं, तो आ जाइए इसको हम सॉल्व करें। तो बच्चों, आपके कौन कौन से कण हैं, अवयवी कण हैं, ए है और बी है बच्चों। तो पहला काम, जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम रेशियो के बेस पे करते थे, ए रेशियो बी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है बच्चों। अब बच्चों बताइए कि आपके कोने, एक कोनों पर है बच्चों। तो अच्छा बताइए बच्चों, ये आपका कोई एकक कोष्ठिका है और ये बच्चे आपके क्या हैं, कोने हैं। और ए बच्चों कहाँ पर है आपके? कोने पर है। तो अच्छा ये बताइए बच्चों, आपको पता होगा कि कोने पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान कितना होता है बच्चों? 1/8 होता है। कितना होता है बच्चों? 1/8। कैसे? देखिए, अब जैसे बच्चों हमने ये मान लिया आपका क्या है, ये कोई अवयवी कण है जो क्या है बच्चों, गोलाकार है। क्या बच्चों आपका? गोलाकार है। ये अवयवी कण लेकर आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए हमने आपका एक बच्चों एटम ले लिया, एक अवयवी कण, एक परमाणु ले लिया बच्चों। अब हमने आपका एक कोना ले लिया बच्चों, जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये देखिए बच्चों, आपका कोई यूनिट सेल जो होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि पूरे पर होगा। तो ये देखिए बच्चों, इतना ही भाग इसका शेयर हो रहा है कि नहीं? इतना ही भाग इसका शेयर हो जितना बच्चों आपको दिखा रहे हैं, ऊपर वाला नहीं बच्चों, ये इतना ही भाग आपका बच्चों शेयर हो रहा है। तो ये कितने भाग हैं बच्चों, इसके हम कितने भाग कर सकते हैं, इतने भाग के? आओ इतना हम करके आपको दिखाएं, मतलब इसको इतने टुकड़े में, इतने आकार के टुकड़े में हम कितने भागों में इसको बांट सकते हैं, उसको आ करके दिखाएं। तो आपको बच्चों ये दिख रहा होगा, एक है आपका परमाणु बच्चों, एक अवयवी कण को बच्चों ने क्या, सबसे पहले दो टुकड़ों में बच्चों में इसे बांट देते हैं। क्या चो दिख रहे हैं आपके दो टुकड़े, दिख रहे हैं ना? हाँ, तो आइए फिर इनको हमने दो टुकड़ों में फिर बांटा। तब तक बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। इतना मेहनत बच्चों हम सब कर रहे हैं, इसके लिए कुछ कमेंट भी करते रहिए। तो बच्चों देखिए, आपका हमने एक को दो में बांटा, फिर आपका एक भाग दिया बच्चों, इसको हमने कितने बांट दिया, दो में बांट दिया। अब आपको जो दिखा रहे थे बच्चों, इतना भाग आपको उस टाइम शेयर करा, इतना भाग। तो देखिए, अगर इसको हम बांटे तो इसको भी बच्चों दो में बांट सकते हैं कि नहीं? इसको बच्चों ने क्या किया बच्चा, आपके सामने बांट दिया। तो ये इसके कितने टुकड़े हो बच्चों? दो टुकड़े। इसके भी दो टुकड़े होंगे, मतलब आधे भाग के चार टुकड़े हुए ना। इतना ही शेयर कर रहा है बच्चों, इतना ही शेयर कर रहा है। और एक भाग यह है बच्चों, मतलब चार टुकड़े इसके हुए और चार टुकड़े आपको ये दिखाई पड़े हैं। दो इसके हो गए बच्चों और दो आपको ये दिखाई पड़े, मतलब एक परमाणु का हमने कितने टुकड़े किए? 8 टुकड़े किए। और एक टुकड़ा केवल शेयर कर रहा है आपका उस यूनिट सेल में, उस एकक कोष्ठिका में। तो योगदान कितना रहा बच्चों? 1/8 का रहा। कितने का रहा बच्चों? 1/8 का रहा। तो कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हैं बच्चों। और प्रत्येक का योगदान 1/8 होता, 8 से 8 बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिए, कितने परमाणु बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परमाणु हैं। और प्रत्येक परमाणु का योगदान कितना होता है बच्चों? 1/8 होता है। इतनी बातें आई समझ में। फिर हमने अनुपात लगाया बच्चों, हमने क्या लगाया आपका? रेशियो लगाया। अब आ जाइए बी पे,
कितने फलक होते हैं बच्चों? आपको पता है 6 फलक होते, 1, 2, 3, 4, 5 और एक आपके साइड बच्चों, 6 फलक। और प्रत्येक फलक पर बच्चों आपको क्या मिलेंगे? एक परमाणु मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? प्रत्येक फलक पर आपको क्या मिलेंगे बच्चों? एक परमाणु, या बच्चों लगाने पर एक परमाणु मिलेंगे बच्चों। क्या इतनी बातें समझ में है बच्चों? और एक परमाणु का जो शेयरिंग होता है बच्चों, जैसे आपका ये कोई यूनिट सेल है तो आधा बच्चों, आधा इसमें शेयर होगा, आधा अगले में शेयर होता है। तो मतलब जो शेयरिंग होती है, जो योगदान होता है, यू कैन से इट विल बी योर हाफ। और हियर इज यू कैन सी दैट हियर इज योर 6 एटम, देन 6 एंड इट्स योर शेयरिंग, हियर यू कैन लुक इट विल बी योर 1/2। अगर बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 3 8 1 1 आ गया बच्चों, रेशियो 3। 1 किसका है? 1 का है, A1। 3 किसका है? B का है, तो B3। मतलब AB3। ये बच्चों क्या आपके क्रिस्टल का फार्मूला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों और हम करेंगे, वह होगा आपके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।